अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में भी देश की सियासत पूरे उफान पर है। किसानों के मुद्दे पर जहां कांग्रेस बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत का मुद्दा उठाया गया, जिसके खिलाफ बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे पार्टी के बंगाल प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर जमकर लाठियों बरसाई। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ममता बनर्जी ने हिंसक प्रदर्शन में बदलने की कोशिश की, पुलिस ने गुंडों के साथ मिलकर हम पर पथराव किया। प्रदर्शन में अरविंद मेनन समेत कई दिग्गज नेता शामिल थे। अरविंद मेनन समेत कई कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज के दौरान चोट भी आई है। कुल जमा देखा जाए तो इस प्रदर्शन के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी परिदृश्य तेजी से बदलता दिखाई देने लगा है। हम प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने इस आंदोलन को हिंसा में परिवर्तित करने की कोशिश की। पुलिस के साथ गुंडों ने हम पे पथराव किया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और कुल मिलाकर एक शांतिपूर्ण जुलूस को हिंसात्मक जुलूस में बदलने की कोशिश की। हम ममता जी के इस तानाशाही पूर्ण रवैये का विरोध करते हैं और इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं।